यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। जम्मू कश्मीर में फिदायीन हमले की आशंका के बीच हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया विभाग ने आत्मघाती हमले की आशंका जताते हुए खुफिया रिपोर्ट में सभी सुरक्षा एजेंसियों को आगाह कर दिया है और सूत्रों के मुताबिक आतंकियों के कश्मीर में घुसने की खुफिया सूचना पर राज्य में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। श्रीनगर और जम्मू में सुरक्षाकर्मी नाके लगाकर वाहनों की जांच करने के अलावा होटल और धर्मशाला में ठहरे लोगों के बारे में जानकारी जुटा रहे हैं। शहर के सभी प्रवेश द्वारों में चौकसी बढ़ा दी गई है। सभी संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा बंदोबस्त कर दी गई है और आपको बता दें कि 2 जून को जंगे बदर होने की वजह से ये हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों को मिली सूचना के मुताबिक रमजान के महीने के 17वें दिन यानी कि जंगे बदर के मौके पर जम्मू कश्मीर में किसी बड़े आतंकी हमले की साजिश के इनपुट मिले हैं, जिसे देखते हुए सुरक्षा के सख्त इंतजाम करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। खुफिया सूचना में जम्मू संभाग से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा या राजौरी पुंछ जिलों से नियंत्रण रेखा के जरिए पाकिस्तान से एक फिदायीन दस्ते की घुसपैठ की भी आशंका जताई गई है, जिसके बाद एजेंसियों ने राज्य के तमाम सैन्य शिविरों खासकर जम्मू संभाग के सुरक्षा प्रतिष्ठानों में कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।